ये बंदा भले ही गलती से टीम में आया है लेकिन सबको गलत साबित कर रहा है अपने परफॉर्मेंस से और खुद को सही साबित कर रहा है उनके टीम में होने से। आईपीएल 2024 का ये पहला थ्रिलर मैच है जिसमें लास्ट ओवर में 29 रन चाहिए थे। बाकी सब मुकाबला में तो भाई एक तरफा मैच हुआ है, जो ज्यादा रन से कोई जीत गया तो ज्यादा विकेट थे, लेकिन ये पहला थ्रिलर मैच है 2024 आईपीएल का। और इसको थ्रिलर बनाने में सबसे बड़ा हाथ है भाई आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह के, जो कि उभरते हुए नए सितारे आए हैं पंजाब की तरफ से। जब लास्ट ओवर में 29 रन चाहिए था तो सबको याद आ रहा था रिंकू सिंह के वो पारी जो 29 रन उन्होंने मार दिए थे जीटी के सामने। जब शुरू में 2 छक्का लगा आशुतोष शर्मा के बैठे तो लगा भी कि शायद ये वाला भी रन चेस हो जाएगा, लेकिन ये हो नहीं पाया भाई और हैदराबाद 2 रन से जीत गया। लेकिन मानना पड़ेगा जो जो ये दोनों का परफॉर्मेंस निकल के आया भाई अलग ही लेवल का। टीम ने इन्हें भले ही गलती से अपनी टीम में शामिल किया है लेकिन भाई ये पूरे एकदम उस डिसीजन को सही साबित करने में लगे हुए हैं और कर भी दिया। लास्ट ओवर में 26 रन मार दिए, एक समय तो लग रहा था कि 29 रन भी चेस हो जाएंगे, लेकिन आशुतोष शर्मा दूगी लेके भाई ज्यादा दौड़ चुके थे और उनादकट ने भी स्लोअर वन थोड़ा डाल के उनको बीट करा दिया, इस कारण से नहीं लगा। लेकिन पूरा लग रहा था कि ये वाला टारगेट भी चेस हो जाएगा इस साल और सब कोई उम्मीद लगाया हुआ था ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासेन और अभिषेक शर्मा से, लेकिन वो सब में से कोई नहीं चले और एक नया स्टार और उभरा नीतीश कुमार रेड्डी। इन्होंने भाई क्या एकदम बॉलिंग और बैटिंग से अपना परफॉर्मेंस दिया कल के मैच में। इनके दम पे ही हैदराबाद उतना अच्छा स्कोर बना पाया और 2 रन से भाई जीत भी गया। तो आईपीएल होता ही इसलिए है इंडिया के नया टैलेंट को मौका देने के लिए। तो बाकी आज के वीडियो के लिए भाई इतना ही। मैच भाई सब सोच रहा था कि एक्साइटेड होगा पंजाब से जीता रेच, लेकिन हुआ ही नहीं, कल कोई ऐसा खास मोमेंट ही नहीं मिला। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।